जौहर का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। करण जौहर ने अपनी कंपनी का 50% हिस्सा अपने बहुत ही करीबी दोस्त आधार पूनावाले को बेचने का फैसला किया है। 50% हिस्सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे उधार पूनावाला। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कंपनी ने मजीद इसको ऑफर किया है, सुकेश चंद्रशेखर, जो कि इस वक्त जेल में है। सुकेश के बारे में ये बोला जाता है कि वो जैकलिन फर्नांडिस के बहुत ही बड़े आशिक हैं, और जो जैकलिन के जितने भी फैंस होते हैं उनको तो वो या तो iPhone 16 गिफ्ट करते हुए नजर आते हैं, या जैकलिन के लिए यॉट्स खरीदते हुए नजर आते हैं, या फिर जैकलिन के लिए आयरलैंड खरीदते हुए नजर आते हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि सुकेश ने अब एक चिट्ठी लिखी है करण जौहर को, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो उसकी कंपनी का 60 से 70% हिस्सा लेने के लिए तैयार है। बेशक मैं जेल में हूँ और ये इस वक्त करण जौहर के लिए बड़ी अजीब बात होगी, लेकिन मैं चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी जान जैकलिन फर्नांडिस को, करण जौहर की बहुत ज्यादा वो इज्जत करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, तो उसी के खातिर मैं करण जौहर की हेल्प के लिए 60 से 70% हिस्सा कंपनी का खरीदने के लिए तैयार हूँ। याद रहे कि सुकेश के बारे में ये बोला जाता है कि उसने 200 करोड़ का घपला किया है, 200 करोड़ उन्होंने चुराए हैं, जिसके सिलसिले में वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। उन्होंने अपने प्यार के जाल में जैकलिन को भी फंसाया हुआ है, लेकिन दरअसल वो झूठे इंसान हैं। लेकिन यही बोला जाता है कि वो जैकलिन के बहुत बड़े आशिक हैं, और जैकलिन की खातिर उन्होंने काफी कुछ जो है वो बर्दाश्त किया है, और वो जैकलिन से शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन ये भी बातें आती हैं कि वो एक झूठे इंसान है। और बात की जाए करण जौहर की, तो करण जौहर जहाँ एक टाइम पे करण जौहर का नाम था, मकाम था, करण जौहर को पूरी इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करती थी, अब करण जौहर ने या तो वो सारे गामा कंपनी को अपने प्रोडक्शन बेचते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स को इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं, कभी उनको बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं कि वो किसी भी तरह से अपनी कंपनी को बेच दें, क्योंकि करण जौहर इस वक्त बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। करण जौहर इस वक्त उधार चुकाने वाले हैं बहुत सारे लोगों से, उन्होंने जो पैसा लिया हुआ था। करण जौहर पे ऊपर इतना बुरा टाइम आ गया है कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन, जो कि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कंपनी समझी जाती है, उसको बेचने का फैसला किया है। वहीं पे उनके खरीदार भी बहुत सारे आ चुके हैं। वेल, करण जौहर के बारे में आपका क्या ख्याल है अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉलीवुड न्यूज़ 21।